तीन दिवसीय हमीर उत्सव की तैयारियों से पहले जिला पुलिस अधीक्षक रमन कुमार मीना, डीएसपी जसवीर सिंह, सदर पुलिस थाना के एसएचओ संजीव गौतम सहित सुरक्षा कर्मियों ने शहर के विभिन्न स्थानों का औचक निरीक्षण किया। जिला पुलिस अधीक्षक अपनी विभिन्न टीमों के साथ मुख्य बाजार का जायजा लेने पहुंचे। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने बाल खेल मैदान में 31 अक्टूबर को मनाए जाने वाले हमीर उत्सव के शुभारंभ को लेकर सर्किट हाउस से लेकर बाल खेल मैदान तक और शोभा यात्रा को लेकर शिव मंदिर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पूजा अर्चना के कार्यक्रम तक विभिन्न स्थानों में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती को लेकर विभिन्न सेक्टरों में शहर को बांटा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस की विभिन्न टीमों के अधिकारी 31 तारीख को शहर में आने जाने के लिए लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए हर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य बाजार में पुलिस अधीक्षक के औचक निरीक्षण के चलते जहां स्थानीय व्यापारियों में थोड़ी देर हलचल शुरू हुई, वहीं शहर में खुले में बिक रहे दुकानदारों को भी उन्होंने खाद्य पदार्थ को ढककर रखने के निर्देश दिए। इस बारे में स्थानीय व्यापार मंडल के प्रधान के साथ भी बैठक के लिए थाना प्रभारी को निर्देश जारी किए गए। साथ ही यातायात पुलिस के इंचार्ज पॉल सिंह को यातायात पर नजर रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। तीन दिवसीय हमीर उत्सव है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था का पूरा कल जायजा ले लिया गया है। फोर्स की जो रिक्वायरमेंट रहेगी, जितने हमको जवान चाहिए फुल प्रूफ सुरक्षा के लिए, उसका मौका मुआयना कल मैंने अपनी टीम के साथ किया है। और लगभग 400 के आसपास पुलिस के जवान और होमगार्ड के जवान इस उत्सव के दौरान सुरक्षा में तैनात रहेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जाए, साथ ही साथ जो बाकी टीमें हैं सीआईडी की, बम डिस्पोजल टीम, और उन सब की भी मदद ली जाएगी ताकि पूरे आयोजन को हम सुरक्षित और सभी के लिए सेफ बना सकें। उसमें खास तौर पे हमारा ध्यान था जो शोभा यात्रा निकलनी है 31 को इनॉग्रेशन की, उसको मद्देनजर रखते हुए बाजार का निरीक्षण किया तो देखा कि अतिक्रमण अभी से, क्योंकि दिवाली का सीजन शुरू होने वाला है, तो उसको देखते हुए अतिक्रमण लोगों ने शुरू कर दिया है और हमारी कोशिश है कि अतिक्रमण ना हो बाजार में, बाजार सकरा ना हो, बाजार जितनी है उसकी चौड़ाई अपनी बनी रहे।